नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र सिंह मुन्नाबा और आप देख रहे हैं द पुलिस पोस्ट बाड़मेर। दोस्तों, आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन था। हर एक नेता ने अपने अपने जनता से आशीर्वाद के लिए सभाएं की। आज हम खड़े हैं रविंद्र सिंह भाटी के कार्यालय पर, जहां एक जन आशीर्वाद सभा रखी गई थी। इसमें मौजूद बुजुर्गों से हम चर्चाएं करते हैं, जानते हैं सीयू की विधानसभा के राजनीति के बारे में। पासा की नाम है आप लोग? मारो नाम बलवंदान चारण गांव बूठ। अच्छा बूठ। बलवंदान जी, आज केड़ी सभा थी की करी था? आज जो यहाँ अति समूह इतनी भीड़, ये लाइव खुद बता रहा है, जो ये भीड़ है लाइव खुद बता रहा है कि इतनी भीड़ शायद ही किसी कैंडिडेट के यहाँ देखी होगी। ये एक पहला अवसर है जो एक निर्दलीय के पक्ष में इतनी बड़ी भीड़ है ये। हाँ, आज बाजी जो राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस और भाजपा है, वो दो ही अपना पक्ष जो प्रत्याशी खड़ा कर रहा है, उन्होंने छोड़ने बाद भी थी निर्दलीय भेड़ा भेड़ो की कारण रहे हो? वो कारण है कि ये आदमी में एक बहुत बड़ी बोलता है। अब आदमी आने वाले टाइम रे में ना हर कौम रो साथी है, इसमें कोई ये जातिवाद नहीं है, हर जाति का ये सहायक है, 36 कौम का ये बाहर हुए। इसमें इतना बड़ा जज्बा है कि आगे आने वाले टाइम में, ये 5 साल तो इसके कवर हो गई है, लेकिन आने वाला टाइम इसको बताएगा कि ये एक ऐसा जुझारू नेता इस मारवाड़ में होगा जिसकी कोई और अन्य नेता होड़ नहीं करेंगे। उसकी वजह ये थी, इसका टिकट काटने का कारण यही रहा है। आज भाषा जो को भीड़ थी, वे भीड़ माध्यम देखी वाला था, वो ना थे चैनल माध्यम ये बताना चाहूँ कि जो को भीड़ है वो पैसा हटे आई थी या आप खर्चे में चला आई बाहर लोग है इस विधानसभा लोग है? बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया है। मैंने पहले ये सब नेता कहते थे कि रविंद्र भाटी के ये बाहर के लोग किराए के लोग आकर के ये भीड़ कर रहे हैं। आज यहाँ पर आप इनको सौगंध दे करके पूछो, यहाँ पर बाहरी कोई कॉन्स्टिट्यूटी बाहर का जिले का कोई आदमी है? ये सब इसके हितेशी है, इसके पक्ष के अंदर 100% वोट पड़ेंगे और ये जीतेगा, डंके के साथ में जीतेगा। हम चैलेंज के साथ करें, इसके ऊपर एक और कुछ नहीं, शिव और शक्ति का इसके ऊपर हाथ है और इसके गले में माला भगवती ने पहले ही डाल दी है। मैं चारण हूं और चारण के नाते में ये कहूंगा, आवड़ आशीर्वाद आवड़ तणु रवि कर सहराज सहुवाणी हो जो संवरी सेवक काज सुधार शिव सीट सेवक फल सेव फल नव अंक नमाज नव दुर्गा नाम सु जीत दबरी दो हाजर हो हिंगड़ा दर मंगी मन थो महमाज आवड़ आण उबार से रवि सेवक रव राय नित प्रत उठ नाम ले नव दुर्गा नव अंक नमाय रवि शरण राज रे मेहर करे मोह माय आवड़ देवल जंब का करणी मोज कृपाय रिधु रटे सेवक रवि जबरी जीत बिराय रवि रवि काज सुधारण मात करनल जादम भाटी जीत भयो जी जादम भाटी जीत भयो जी जादम भाटी जीत भयो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कविराज हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने सब रचित जो रचना थी उसके द्वारा उन्होंने बताया। और भी हमारे साथ लोग मौजूद है, उनसे जानते हैं। क्या नाम है साहब आपका? नारायण सिंह। नारायण सिंह कौन सा गांव है? बिहार। नारायण सिंह जी, इस बार क्या लगता है शिव जनता किसके ऊपर विश्वास जताएगी? वो तो आप देख रहे हो, मैं क्या बता रहा हूँ, आप देख रहे हो भाई, आपको मीडिया को हमसे ज्यादा मालूम है कि आकलन आप करोगे भीड़ कितनी है। जो भीड़ है उसकी 4 गुना, एक आदमी 4 वोट लाएगा ना, अपन 4 करते हैं लबा के मुकरो। अगर 25,000 के मानते हो भीड़, आप 20,000 के मानते हो 80 और लाख, फिर कहाँ है, पते खुल गए? ठीक है, पते विपक्षी पार्टियां वो ये दावा करती कि भीड़ तो बाहर से मंगाई गई है। आप बाहर के नहीं, आप कहीं के ना, यहाँ से बताओ कोई चेहरा हो बाहर का, तो ठीक है ना, यहाँ कोई चेहरा हो बाहर का बताओ, आप उनसे कहो कि हमारे जो वीडियो क्लिप आ रहे हैं उनको आप जूम करो और बताओ कि ये बाहर का शख्स है, ये जोधपुर का है, ये जयपुर का है, सभी यहीं के स्थानीय है, ये सब बातें हैं, वो बौखला गए हैं, ठीक है ना, वो भीड़ देख बौखला गए तो वो उल्टे सीधे स्टैंड दे रहे हैं। इस बार राजनीतिक जो पार्टियां हैं राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां भाजपा और कांग्रेस, उनको छोड़कर जो शिव की जनता निर्दलीय के पक्ष में खड़ी, आखिर ऐसी क्या कारण रहे कि वो निर्दलीय के पक्ष में आ रहे हैं? ये स्पष्ट बात कोई कहता नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई पार्टी कोई भी हो, पार्टियां खूब है, ये बंदा स्पष्ट बात कह रहा है। और 3 साल ये जो काम है वो जैनी जोधपुर विश्वविद्यालय में करके आया है और जो यहाँ वो जो पढ़ चुके बच्चे उनको पता है कि वास्तव में सच्चा आदमी और वास्तव में करके दिखाता है। ये
शिव की जो जनता है वो इस बार जाती है समीकरण के ऊपर वोट करेगी या विकास और जुझारू नेता को देखकर? समीकरण तो खत्म हो गया, जाति समीकरण को निकल नहीं रहा है, सब पेन लेके हिसाब कर रहे हैं, नहीं निकल रहा है, ठीक है। और जो सत्य और काम पे हो रहा है, उसके काम पे हो रहा है वोट, कोई जाति कोई हुई नहीं, समीकरण खत्म हो गया जाति तो। चलो बढ़िया, क्या नाम है काको? हरिसिंह। हरिसिंह कई गाँव है? मतलो जी। हरिसिंह आज की सभा थी की करी रहा था? सभा जोर थी। तेरी सभा थी कौन करी रहा था? सभा तो रविंद्र सिंह री थी। जी हाँ, आज मैं पहले थी की पार्टी ने वोट देता और आज हमें आगे आवर की तो रुझान है। मैं पहला देता बीजेपी ने, हमें दे रहा रविंद्र सिंह ने। आखिर नेशनल पार्टी ने छोड़ी निर्दलीय विपक्ष में देने कारण? बस छोड़ दिया, कोई काम देखे वो नहीं, आदमी बढ़िया देखे वो दे देना। अच्छा, आदमी बढ़िया देखे ये कारण। नाम है आप? नेम सिंह धारवी। नेम सिंह, ये बात जो शिवरा युवा है वो की चाह रहा है? वो तो एक ही छोन लिए कि रविंद्र सिंह ने जीता वाला और मोरू शिवरो भविष्य सुधरेला और हर परिस्थिति और स्थिति में मोरे लिए हाजिर रहला और शिवरी जनता में यही है अपनो इतिहास बागी केला गुलाम कदी नहीं केला और शिवरी जनता में है ये हीरे न परख्या और ये युग में अपनी एक एक आहुति जरूर दया। मारो शिवरी जनता में यही निवेदन है कि ये युग में एक बार अपनी आहुति जरूर दया। बहुत बहुत धन्यवाद। भाषा की नाम है आपरो? कांदान जी। क्यों गाँव है आपरो? जनकली। बस आज भीड़ देखी नाना की लाग रही है, जनता की चाह रही है? सावे देखो कैदी टू है खड़ो कौम करे वे न चावे बीजा मौत वोट दे दे औंगड़े भी कटे ओ ने तो पाछो बावड़े कुन मौंडी ए कौम कर छे अमे देड़ी फोड़े होना है कौम कर छे। भाजपा में स्वरूप सिंह खारा खड़ा है और कांग्रेस में अमीन खान जी है, निर्दलीय में फतेह खान है, जालम सिंह रावत है। थाना की लाग रही कई कैंडिडेट काम करावा जड़ो ए काम करायो है रविंदर? हाँ ये दुनिया रे मंदरे महीना बस एकदम जीत है 100% गारंटी के साथ। बाजी लोग कहते हैं कि रविंद्र जो भाटी है इसके साथ केवल युवा ही खड़ा है, इस बात में कितनी सच्चाई? बुजुर्ग भी साथ है कि नहीं है? मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने आज 5 दिन से इस चौहटन इस शिव भरगने की सीट के अंदर गांव गांव देखा है। मैं ये कह रहा हूँ बहुत बड़ा अचंबा लगा है, बहुत बड़ा अचंबा लगा है। जहाँ ये गया नहीं है, जहाँ ये कैंडिडेट गया नहीं है, वहाँ के युवा लड़के, वहाँ के बुजुर्ग आदमी, वहाँ की औरतें, उनका जज्बा जो इसके प्रति है उससे मैं देख करके बड़ा हैरान हो गया हूँ। उन्होंने कहा हमारे को तो रविंद्र भाटी जिताना है, उनके मन के अंदर एक ही है भावना, रविंद्र भाटी जिताना है बस। रविंद्र भाटी की जो टिकट कटी इसको लेकर आप सांत्वना दे रहे हो या उसमें विकास की आपको निगाह दिख रही है? देखो साहब, इसके टिकट काटने के ऊपर काटने का कारण यही था एकमात्र कि यहाँ के जो सभी नेता थे उस नेताओं के एक ही था, एक ही मन में विचार था कि ये अगर इसको टिकट दिया तो ये जीतना तो श्योर है। आज ये निर्दलीय जीत रहा है तो ये जीतना श्योर है, फिर हमारे आगे के दरवाजे सब बंद हो जाएंगे। इसी कारण से तो उन्होंने सबने मिलकर के इसकी टिकट कटवाई है। इसमें बहुत बड़ा कुदरती जज्बा है, ये पहला व्यक्ति है इस सीट के ऊपर, शिव की सीट के ऊपर इस बाड़मेर जिले के अंदर एक पहला ऐसे जुझारू बच्चा है कि आगे ये क्या करेगा। अब की बार इसको कोई प्रयत्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको जनता वोट दे रही है। मैंने मेरे मन से ये बना करके बातें नहीं करूं। कल मैं एक भीलों का वास्ता वहां पर गए थे, लोग कहते हैं कि भील बीजेपी से जुड़े हैं दूसरी पार्टियों से, उन्होंने कहा कि हमारे को कुछ नहीं, हमारी 50 साल थी है, हमारे वो 10 किलोमीटर यहां पर जो सड़क की समस्या है वो सड़क क्या आज तक जो वायदे करते कोई वापिस नहीं आया। एक बार हमने इसके भरोसा जताया है और ये लाख कोशिश जीतेगा और हमारी समस्याओं को यही सुनने वाला है। ये कल मैं आंखों देख के आया हूं, इसी कारण से ये जीत का विषय, इसके जीत के पक्ष का कारण एक ही है कि लोगों के मन के अंदर ये भावना हो गई कि ये जीतना तो है ही, जीत के बाद में इसका 100% ये लोगों की सेवा करेगा, इसके अंदर कोई जाति पाति नहीं है। ये नहीं है कि कल ये फलानी जाति का या ढींकर जाति का या चारण आया, ये कोई राजपूत आया, ये वो आया, नहीं, ये 36 कौम को साथ देगा। नहीं तो मैं ये माँ देवड़ की दो माँ जगदम्बा की ये लोहड़ी लेके ले घूम रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये 36 कौम का है, ये कोई जाति पाति आप मन से निकाल देना, ज्यादा से ज्यादा इसके पक्ष के अंदर वोटिंग करके इसको जीताओ, फिर आप देखना इसका भविष्य,
फिर इस शिव की सीट का अभी भविष्य देखना, यहाँ की जनता का भविष्य देखना, या जो लोग ये समस्याओं से जूझ रहे हैं उसके लिए आप देखना। और ये श्योर जीतेगा, ये जीता तो करिश्मा रहा है, मुझे समझ में ना आ रहा है, ये इसको जिताने वाला कोई कुदरती करिश्मा है बस। बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र मीटिंग में आया था। कई आया है, पांच चार पालते पलते दिया, कांग्रेस ने दिया, बीजेपी ने दिया, निर्दलीय ने दिया, जसवंत सिंह ने निर्दलीय दिया था। अच्छा। पर लेकिन मानो कोई है नहीं, ये हमारा पड़ोसी है और ये लड़का जो बड़ा हुआ है तो ये जोत प्रमाण कोई काम किया अच्छा, ठीक है, जोत प्रमाण कॉलेज अमान कोई अच्छा काम किया यू पार्टी के लिए। जब ने हमारे बुजुर्ग और ये बच्चे कह रहे हैं कि बाप जी वोट देना रविंद्र को, जब हमारे ये बुजुर्ग बच्चों का काम किया ये। अच्छा। बहुत बढ़िया, हमारा पड़ोसी है, कोई बाहर लोन नहीं है, हमें ऐसे शिव क्षेत्र के सब। तो आज को कांग्रेस पार्टी वो गिरी मेरे बुजुर्ग ना पेंशन दिया, वृद्धाश्रम वाली पेंशन दिया, पेंशन दे तो हमारे को पेंशन नहीं, हमारे बच्चे तो बैठे बेरोजगार, हमको पेंशन दे तो हम खा के पड़े हैं और क्या करे, वही बच्चे जो छोटे छोटे कैसे पालेगा। इस बार आप कहना चाह रहे हो कि हम पेंशन और जो छोटी मोटी जो हमें सुविधा दे रही उनको नहीं देखेंगे और बच्चों का भविष्य देखेंगे। बच्चों का भविष्य देखा, हमने पेंशन देने में मतलब नहीं, आगे कौन दे, तो मानो 50 साल 60 साल हुआ है कोई माना नहीं, भगवान ही दे तो ठीक, और कोई मैं गवर्नमेंट में नहीं रहा। अब मानो बुजुर्ग हर संस्था हुई माना दी मान ले ली, हमारे बच्चे जो अभी पढ़े लिखे तो हमारे कोई रोजगार नहीं, कोई लेनो नहीं देनो नहीं कुछ नहीं, कोई पानी गांव में पानी नहीं है, सड़क नहीं है, और दे जाओ दे जूत माता में बाबा दे जाओ जोड़े अरे बाप जी थे भावना मारे तो मोह कहीं को है तो हमें की करो। जब मरता है पाई का दिया, एक पड़ोसी है अच्छा लड़का है, इसलिए मोह तो सब जनता है जो कोई बाहरली नहीं है, हमारे यू की है शिव की तहसील की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरह बुजुर्गों में और जो युवा है, जो बुजुर्ग है वो आज से पहले जो भी समस्याएं रही उन सबसे परेशान होकर युवा अपने भविष्य को लेकर इस बार शिव में मतदान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।